Assalamu alaikum, my friends. Here I am back with another video. Hope so. आपकी preparations अच्छी जा रही होंगी क्योंकि अब time कम रह गया है और जैसे जैसे October करीब आता है वैसे वैसे aspirants को ये ज़्यादा tension होती है कि exams are coming through and you guys must be worried about it. तो हमारा जो आज का topic है वो ना सिर्फ CSS aspirants के लिए but all over मैं कहूँगी कि तमाम व्यूअर्स के लिए भी है. जितने लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि देखिए आगाही एक बहुत अच्छी चीज़ है और अगर आप एक सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको फैलाने का तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है. लेकिन अक्सर जो सच होते हैं वो क्योंकि कड़वे होते हैं और उनको हज़म करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो आज हम मतलब मैंने सोचा था कि मैं केस स्टडीज़ पे लेक्चर बनाऊंगी अपना ना रिकॉर्ड करूंगी. तो तीन केस स्टडीज़ हैं हमारी जो आपके CSS का पार्ट है. नंबर वन मलाला यूसुफ़ज़ई, शमीन उबैद चनोई और मुख्तार अनवाई. जब ये 2016 के अंदर सबसे पहले ऐड हुई तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रोवोक हुआ स्टूडेंट्स के माइंड में कि वाई सो controversial ladies are into the case studies. This is what the whole nation thinks about them. Now the question is ke hum isko kis tarike se cover karenge, because ye aapke syllabus ka part hai aur la mahala aapko usko cover karna padega. To agar aap na bhi padhna chahe to aapko ye padhna padega. To iske sath jo viewers hain unke liye ek choti si baat ye hai ke agar hum media ka role dekhe aur hum media ko dekhe तो बेसिकली जिन नेशंस में एजुकेशन का रेट कम होता है ना, जैसे पाकिस्तान में 57-58% रेट है, वहाँ पे कुछ इश्यूज होते हैं सोसाइटी के. तो वो इश्यूज पूरा कौन करता है? वो इशू पूरा करता है आपका मीडिया. यानी कि जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का फ्लॉ होता है, जहाँ पे एजुकेशन रेट का फ्लॉ होता है, वहाँ पे आपका मीडिया रोल प्ले करता है टू एजुकेट पीपल. Somehow इन पर्सनालिटीज़ को कॉन्ट्रोवर्शन बनाने में हमारे मीडिया का भी हाथ है. अगर चार आर्टिकल पढ़ के, थोड़े से ब्लॉग्स पढ़ के हमें एक्चुअल डाटा मिल सकता है, तो क्यों नहीं वो बम्बार्ड किया जाता टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, सो दैट आम लोग, जनरल पब्लिक उस चीज़ को समझें, गो थ्रू करें. नंबर वन हमारी जो पहली केस स्टडी है वो मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में. मलाला यूसुफ़ज़ई हमारे माशरे में सबसे ख़तरनाक किस्म का टॉपिक. इसमें आप वीडियो बनाते हुए ना खुद को थोड़ा सा डर लगता है कि भाई अभी गालियां ना पड़ जाएं कहीं से, बट क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो ऑब्वियसली आपने पढ़ना तो है. अब मलाला में जब हम मलाला को पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में प्रोवोक होते हैं, एक तो आपने पढ़ना है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, बट दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक चीज़ को आप मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते, उसको मेंटली आप अपोज कर रहे हो, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो अपने उस राइटिंग वर्क में. अब अगर आप समझते हो कि मलाला वॉज अ प्लांट एजेंट और समथिंग लाइक दैट, तो आप किस तरीके से उसको एज अ हीरो अपने एसे के अंदर उसकी कोटेशन को कॉल करके उसको वुमेन एम्पावरमेंट की एक एग्जांपल देके किस तरीके से आप उसको मनवा सकते हैं, जबकि आप खुद ये समझते हैं कि शी वॉज नॉट अ हीरो. इंस्टेड ऑफ दैट आप ये समझते हैं कि वो एक एजेंट है, ठीक है, जो हमारा कॉमन एक मिथ बना हुआ है. अब नंबर वन क्वेश्चन इज मलाला ही क्यों जब इसके ऊपर अटैक हुआ 2012 के अंदर, तो 2012 में तो सिचुएशन भी भाई ऐसी थी कि लोग मारा मारी हो रही थी और ऑपरेशंस चल रहे थे, तो इतने लोग मारे जाते थे. तो एक लड़की थी जो जिसके ऊपर अटैक हुआ और फिर वो जी इंग्लैंड पहुंच गई और फिर उसे नोबेल प्राइज़ मिल गया. हाउ दिस कुड बी हैपन, ठीक है. तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं. अच्छा मतलब उसको स्कल्प पे लगी थी, नज़र क्यों नहीं आई, प्रॉब्लम ऐसे क्यों हुआ और वो एकदम से क्यों इतना फेमस हो गई, और ये वाले सारे क्वेश्चंस. तो कहीं ना कहीं हमारी नेशन को थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और मेरा ख़्याल में हसद को थोड़ा कम करना पड़ेगा हमें अपने आप में. क्यों अगर हम में से कोई एक बंदा आगे निकलता है तो हम उसको खींच के पीछे लाने की कोशिश करते हैं, ये एक नेगेटिव बात है. तो जी मलाला के लिए कुछ फैक्ट्स और कुछ जो आपकी आप इसे एविडेंस कह लें,
तो एविडेंस की अगर हम बात करें तो मैंने जब मैंने वीडियो अपलोड करी है जो फेसबुक पे, इसके साथ ही मैंने कुछ लिंक्स भी, मतलब आई वुड ट्राई कि सारे लिंक्स मैं वहाँ पे पोस्ट कर सकूँ, लेकिन एज़ मैनी एज़ आई कुड पोस्ट, तो मैं उन लिंक्स को पोस्ट करूँगी यूट्यूब के कमेंट्स में और फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में या उसके डिस्क्रिप्शन में. वो होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के और कुछ आर्टिकल्स के, सो दैट अगर आपको मेरी बात पे डाउट हो तो यू कैन क्रॉस चेक थ्रू द आर्टिकल्स एंड थ्रू बीबी डॉक्यूमेंट्री मेड बाय बीबीसी. ठीक है, सीएनएन और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से आप उसे कर सको, चेक कर सको. तो अगर हम मलाला की एक्चुअल लाइफ में देखते हैं तो हमें पता चलता है जी कि मतलब किस तरीके से ये पूरा सिनेरियो बना. 2012 के अंदर इसके ऊपर अटैक हुआ. लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना मीडिया ही गो थ्रू करें तो अटैक से 2 साल पहले इनके प्रोग्राम में, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, मलाला यूसुफ़ज़ई और जो उनके फादर थे ज़ियाउद्दीन, ठीक है, उनको इंटरव्यू पे बुलाया गया था. अब अटैक तो नहीं हुआ था, फिर इंटरव्यू किस चीज़ का. तो मलाला वाज़ वर्किंग एज एन एक्टिविस्ट ओवर देयर. वो ऑलरेडी एक एजुकेशनल एक्टिविस्ट, एक आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस एक्टिविस्ट के तौर पे वहाँ पे काम कर रही थी. अभी से नहीं, इनकी जो पहली स्पीच थी जो आपको मिलती है वो 2008 के अंदर इन्होंने अगेंस्ट तालिबान की थी, जिसका टॉपिक था हाउ डज द तालिबान टेक अवे माई राइट टू एजुकेशन. 2008 के अंदर पहली स्पीच, और अटैक कब होता है 2012 में. इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन तो साइड में हो गया कि भाई वो कोई अननोन बंदी नहीं थी या वो कोई ऐसे ही ले मैन नहीं थी कि जिसको उठाया और बर्मिंघम ले गए और फिर वहाँ से उसे नोबेल प्राइज मिल गया, वहाँ से उसको आपको क्या कहते हैं वो कनाडा की नेशनैलिटी अवार्ड कर दी गई. तो यहाँ से आपको पता चलता है कि वो एक्टिविज्म जो था वो 2008 का स्टार्ट हुआ था. अब जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जाकर लिंक में आपको शेयर करूँगी, उसमें आप ये देख सकते हैं कि शी वॉज अ किड एट दैट टाइम और उससे अंग्रेज़ी में सही तरीके से बात भी नहीं होती, बाद में आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग हुई है. तो 2008 के अंदर उसकी स्पीच होती है और 2009 में उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट की बीबीसी के साथ, जिसमें उसने नाम यूज़ किया अपना गुलमकई. इस नाम की फिर बायोग्राफी भी आपको मिलती है जो वीडियो की फॉर्म में है, ऑटोबायोग्राफी थी और फिर उसको बना के और फिर उन्होंने एक वीडियो की फिल्म की फॉर्म में प्रेजेंट किया था. तो 2009 में से उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट, देखे 2009 से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, 2008 में स्पीच हो गई और 2012 में जाके उसके ऊपर अटैक हुआ. और फिर नेक्स्ट आपको पता चलता है 2014 के अंदर उसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज़ मिलता है. तो अच्छा जी, फिर यहाँ से उनका सफ़र स्टार्ट होता है एक्टिविज्म का. इनके वालिद साहब जो थे ज़ियाउद्दीन, उन्होंने एक स्कूल कायम किया था, क्योंकि इनका 1997 के अंदर इनकी बर्थ हुई थी सवात वैली के पास, एक टाउन है मंगोरा के नाम से, मंगोरा के पास इनकी बर्थ होती है और वहाँ पे ही इनकी रहाइश थी. अब जब टेन्योर आगे, टाइम टेन्योर आगे चलता है और फिर 2007 का एरा आता है, तो 2005-2007 में सवात वाज अंडर सीवियर अटैक बाय तालिबान. उसके बाद से सारा ये देवर मूविंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद टू एबटाबाद और इस तरह से उनका मूव फॉरवर्ड होना शुरू किया था, जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशंस भी किए थे. तो फिर क्या हुआ कि 2008 के अंदर जब तालिबान ने अपनी वीडियोज़ और ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू ये कहना शुरू कर दिया कि आप अपनी बच्चियों को नहीं भेज सकते, स्कूल नहीं भेज सकते, जो बंदा भेजेगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद करने की बात. इस टाइम पे इनके वालिद साहब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे थे और मलाला यूसुफ़ज़ई वहाँ पे उसको ये चीज़ प्रोवोक करवा रही थी कि मतलब मैं आ रही हूँ तो फिर बाकी लड़कियाँ भी आएंगी और इस्लाम के अंदर एजुकेशन को लेके इट्स अ कंपल्शन इस्लाम टू गेट एजुकेशन बोथ फॉर द बोथ जेंडर्स, फॉर मेल एंड फॉर द फीमेल, आपके वेमेन और मैन के अंदर दोनों के लिए ये लाजमी है.
अच्छा जी, फिर हमारा दूसरा ये बात है कि जी एकदम से फिर नोबेल प्राइज़ मिल गया उनको, तो नोबेल प्राइज़ के लिए भी एकदम से बात नहीं थी, 2011 के अंदर इनको नॉमिनेट किया गया फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़ 2011 के अंदर. ऑन द सेम ईयर शी वॉज अवॉर्डेड पाकिस्तान्स नेशनल यूथ प्राइज़. 2011 में ही उनको एक्टिविज्म के ऊपर, एजुकेशनल एक्टिविज्म के ऊपर, क्योंकि एट दैट टाइम यूनाइटेड नेशंस से कुछ एजुकेशनलिस्ट आए थे पाकिस्तान में जिनके साथ मीटिंग हुई थी, और फिर ट्राइबल एरियाज़ के जो एजुकेशनल एक्टिविस्ट थे उन्होंने उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था. मलाला एंड हर फादर वॉज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग टू. तो 2011 के अंदर इनको पाकिस्तान से भी अवार्ड मिला. ये चीज़ें चलती रही. अच्छा, अब जहाँ पे हम अटैक की बात करते हैं, तो अटैक में हमें स्टोरी नज़र आती है कि भी सीन ये बनता है कि जब 2010 के अंदर इनको, फिर 11 के अंदर इनको तंबीह की जाती है, बार बार तंबीह की जाती है, और उस टाइम पे ऑपरेशन करके काफ़ी सारे इलाके तालिबान से फ्री भी करवा लिए जाते हैं. उसके बाद people went back to their places, और वहाँ पे उन, क्योंकि वो तब IDPs थे, IDPs के बाद जब वो वापस अपने घरों में गए, उन्हें टूटे फूटे घर मिले, टूटे फूटे मकान मिले. और ये 2012 की ही बात है कि जब मलाला के ऊपर अटैक हुआ था, इन्होंने दोबारा से स्कूल जाना स्टार्ट किया और अपनी एक्टिविज़म स्टार्ट की. तो तब ऑन द थर्ड वार्निंग तालिबानों की तरफ से, तीसरी वार्निंग के बाद भी जब ये इन्होंने स्कूल जाना बंद नहीं किया और अपना एक्टिविज़म बंद नहीं किया, तो तालिबान ने इनकी स्कूल बस को अटैक किया और इनको बुलेट फायर की जो इनके सर के दाहिने हिस्से में जाके लगी. अब यहाँ पे है कि जी किस तरह से रेस्क्यू किया गया. अब ये दूसरा आपके पास एविडेंस आता है कि इट वॉज़न्ट अ प्लांटेड थिंग. कैसे? इस तरीके से कि पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू किया था. द होल रेस्क्यू वॉज डन बाय पाकिस्तान आर्मी. दिस इज़ अनदर एविडेंस, ठीक है, कि आपके आर्मी ऑफिशल्स जो थे वो मलाला को मिलिट्री हॉस्पिटल पेशावर लेकर गए थे, डायरेक्ट अटैक की प्लेस है, और फिर वहाँ से उनको बर्मिंघम इंग्लैंड शिफ्ट किया गया कम्प्लेक्सिटी की वजह से, और फिर वहाँ पे उनकी हेड सर्जरी होती है. और इसके अगेंस्ट जो इंग्लैंड के रिचेस्ट ग्रुप हैं उन्होंने काफ़ी ववेला भी मचाया था कि हम अपने टैक्स के पैसे ऐसे बंदों पे क्यों खर्च कर रहे हैं जो अपना टेररिज्म और अपना एक्सट्रीमिज्म हमारे एरिया तक में शिफ्ट करना चाहते हैं. तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा उनको एक शटअप कॉल दी गई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके ऊपर खर्च करने वाले पैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट पे कर रही है, ना कि वहाँ की इंग्लैंड की गवर्नमेंट पे कर रही है. तो देखें, आपके पास दूसरा एविडेंस आ जाता है कि मलाला का रेस्क्यू करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे आर्मी ऑफिशल्स का था, और वो एक उन्होंने इस ज़िम्मेदारी के साथ ये सारा प्रोसीजर पे बैक किया. तो ये तो आपके पास दो एक क्रिटिकल किस्म के एविडेंस आ जाते हैं. अच्छा, अब तीसरा जो इसका, जब 2012 9 अक्टूबर को ये अटैक किया जाता है, तो उसके बाद हमारी कौम का क्या जो है वो रिस्पॉन्स आता है. इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम जब तमाम हमारे ऑफिशियल मौलाना हजरात ने इसके अगेंस्ट फतवा दिया था कि इंसानों को मारने वाला कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता, यानी कि जो दहशतगर्द है उसका कोई मज़हब नहीं है. और इसके साथ साथ ये बात, इस बात को भी दोबारा से रिपीट किया गया था कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है. अब इससे जो एक और हमें नेगेटिव चीज़ हुई इस अटैक के बाद, वो थी ड्रोन अटैक्स की परमिशन. बेसिकली वेस्ट को ड्रोन अटैक की, अमेरिका को ड्रोन अटैक की परमिशन मिलती है, जिसके बारे में ऑफिशियल्स का कहना है कि बड़ी ये क्रिटिकल सी बात है कि हम ये कहते हैं कि एक मलाला यूसुफ़ज़ई के ऊपर अटैक किया, एक बच्ची के ऊपर अटैक किया जो एजुकेशन में इतनी आगे बढ़ सकती है, उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि ड्रोन अटैक्स के अंदर कितनी सारी मलालाज मारी गई होंगी?
क्योंकि अगर आप रेशो देखें कि कल्प्रिट्स कितने थे और सिविलियंस कितने थे, तो सिविलियंस का रेशो तो मिलता है ना आपको वहाँ पे। तो ये एक ड्रोन अटैक के लिए जो एज मिला वो थोड़ा हमारे लिए ख़तरनाक था। फिर उसके बाद शुरू में तो पाकिस्तानी कौम दिल से दुआएं कर रही थी कि हमारी बच्ची है ठीक हो जाए। फिर हमारी बच्ची को जब दुनिया ने एक्सेप्ट कर दिया कि ये पाकिस्तान की बच्ची है, तो हमने कह दिया नहीं भाई हमारी बच्ची नहीं है। दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। तो फिर क्या होता है आपका 2012 के अंदर जब उनको अवार्ड मिलता है और उस टाइम उसे पूछा जाता है कि मलाला अगर आपके सामने वो बंदा आ जाए जिसने आपको अटैक किया है तो आप उसे क्या बोलोगी, आप उसे बदला लोगी, आप क्या कहोगी। तो उसने कहा कि मैं उसके सामने कुरान पाक रख दूँगी और मैं उसे कहूँगी कि मुझे निकाल के बता दो कि कहाँ लिखा है कि एक लड़की तालीम हासिल नहीं कर सकती। फिर उसके बाद उन्होंने वो कोटेशन बोली, वन पेन वन बुक वन टीचर एंड वन गर्ल कैन चेंज द होल वर्ल्ड। अच्छा, ये आप एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, छोटी छोटी कोटेशंस याद कर लें। मतलब अगर आपको बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स कोटेशंस याद नहीं होती तो ये छोटी छोटी कोटेशंस हैं, दे आर वेरी इजी टू मेमोराइज और आप इसको एजुकेशन के ऐसे में, वुमेन एम्पावरमेंट के ऐसे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पीस के और मतलब इस तरीके से जितनी भी एजुकेशन के रिगार्डिंग चीज़ है, क्वेश्चन कोई आपको आता है तो आप इसके अंदर ये चीज़ कोट कर सकते हैं। कितनी आसान कोटेशन है, आप इसको फटाफट मेमोराइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 16 जुलाई को क्योंकि इनकी बर्थडे होती है, तो जब इनकी इनकी 12 जुलाई को बर्थडे होती है, तो 12 जुलाई को जब इनकी 16th बर्थडे थी तो उसमें इन्होंने स्पीच दी थी, 2013 के अंदर स्पीच की थी यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे, और उस टाइम पे बानकी मून जो थे वो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, और उन्होंने अवार्ड किया था उस दिन के नाम को मलालास डे के नाम से। दिस इज़ द प्रिविलेज ऑफ पाकिस्तान, लेट्स बी हैप्पी फॉर द प्रिविलेज ना। एक इतने बड़े फोरम पे हमारे मुल्क के किसी बंदे को इज्जत मिल रही है तो हमें इसके बारे में खुश होना चाहिए। तो उन्होंने उस दिन को सेलिब्रेट किया कि शी इज़ एन एक्टिविस्ट to work for the education, to work for the women empowerment, so we should promote it. फिर 2017 जब आता है आपका, तो इनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से मैसेंजर ऑफ पीस टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन नॉमिनेट किया गया, 2 साल के लिए ऑनरी रिप्रजेंटेशन दी गई, और इन द सेम ईयर इनको ऑनरी कैनेडियन सिटीजनशिप दी गई जो अभी तक सिर्फ 7 लोगों को दी जा चुकी है, और उसमें से जो इस उम्र की लाइक द मोस्ट जूनियर इज़ ओनली मलाला, इनको कनाडा की सिटीजनशिप दी गई थी। और फिर 2018 के अंदर इन्होंने दोबारा विज़िट किया पाकिस्तान को आफ्टर सो मैनी ईयर्स। 2012 के बाद इन्होंने 2018 को पाकिस्तान में विज़िट किया। उसके बाद इनका 2013 से एक प्रोग्राम चल रहा है मलाला फ़ंड के नाम से, उसको इन्होंने गुलमकई का भी नाम दिया। इनके वालिद साहब ने ये फ़ंड स्टार्ट किया था। ये फ़ंड मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ साथ जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सीरिया, पाकिस्तान, बाकी भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर इनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और ये गर्ल्स के लिए फंडिंग करते हैं। लाइक दे मेड अ प्लेटफॉर्म अलोंग ऑन अ वेरी हायर लेवल सो दैट पूरी दुनिया उसे डोनेट करे। मैं उसके फोरम का भी लिंक इसके साथ ऐड करने की कोशिश करूँगी सो दैट यू कैन गो थ्रू द होल पेज ऑफ दैट फोरम। आप उसको देखें, आप उसको स्टडी करें और आपको पता चले। तो लेट्स नॉट बी नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग। अगर हमारे लिए एक प्राउड क्राउन बन रहा है कोई बंदा कि वो हमारे लिए आगे जा रहा है और हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें भी प्राउड के साथ उस बंदे को एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ यार ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स गेट सम एजुकेशन अबाउट इट एंड लेट्स गेट बी अवेयर कि हमें किस चीज़ का साथ देना है, किस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी रखना है, और किस चीज़ को हेटर्ड, एक्सट्रीमिज्म, वॉर। इन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। ब्रोकन फैमिलीज, ब्रोकन पीपल, ब्रोकन इकोनॉमीज,
कभी वॉर्स किसी को कुछ अच्छा नहीं दे पाई, तो फिर हम क्यों नहीं हम ह्यूमैनिटेरियनिज्म और लव पीस इसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। और जो लोग इसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। इसके बाद मलाला यूसुफ़ज़ई की किताब, अब तो किताबें आ रही हैं, तो आई एम मलाला उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने लिखी, उसके बाद से काफ़ी सारी उनकी किताबें हैं। राइट नाउ शी इज़ डूइंग अ डिग्री इकोनॉमिक्स में है उनकी, साथ फिलॉसफी है और पॉलिटिक्स है इसके अंदर उनकी डिग्री है जो वो कर रही हैं राइट नाउ। एंड होपफुली कि वो पाकिस्तान का नाम और रोशन करेंगी, और होपफुली कि ये वीडियो देखने के बाद ऊपर दिए गए लिंक्स को एस्पिरेंट्स और व्यूअर्स सर्च करेंगे, उनको देखेंगे और अपना व्यू हम अनबायस्ड होकर चेक करें। लेट्स नॉट हैव अ ग्लास ऑफ बायसनेस इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। हम एक फ़िल्टर लगा के नहीं देखते ना चीज़ों को, हम बिना फ़िल्टर के देख के देखते हैं, उसके बाद खुद फैसला कर लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं आपको पुश फॉरवर्ड नहीं करूँगी कि आप मेरी बात की ऊपर ही मुत्तफिक रहें, बल्कि मैं आपको कहूँगी कि सर्च फॉर इट, ढूँढें, खोजें और चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी गेन हो सके और आप अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ जा सकें। थैंक यू।